हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए। अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती। हर रस्सी में तीन डोरियां होती जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपकी जीवन की ये तीन डोरियां जानता है, समझता है। पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये तीन डोरियां, ये तीन बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधे तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं। राधेरा, मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय ले, और निर्णय लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ना है ना। परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों कुछ ही लोग इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? इसका कारण है भय, और यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच को, अपने निर्णय को बदल लेते हैं। इसलिए यदि इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मार्ग तक पहुंचने का आपका मार्ग बदलो, अपनी सोच और अपना निर्णय लें। राधेरा, हम में से कई लोग इस विषाद से ग्रस्त रहते हैं कि हमें हमारी जीवन में अपेक्षित सुख सुविधा कभी प्राप्त ही नहीं हो, क्योंकि हमारा भाग्य ही यही है, क्योंकि हम ऐसे परिवेश में जन्मे। किंतु क्या आपका जन्म आपका प्रारब्ध निश्चित करता है? कुछ सीमा तक करता, जैसे वर्षा की बूंद जब बादलों से जन्म लेती है तो उसका प्रारब्ध होता है धरा पर गिरना। किंतु वो धरा पर कहां गिरती है ये निश्चित करता है कि उसका भविष्य क्या होगा। केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाती, सीप के मुख में गिरे तो मोती बन जाती, विषधर पी जाए तो विष बन जाती। बूंद एक ही, प्रारब्ध तीन। तो प्रारब्ध हमारा जन्म नहीं, हमारा चयन निर्धारित करता है। इसलिए अपना चयन सोच विचार करके करें। राधे राधे।